Good morning, students. How are you? I hope you are all good. We discuss chapter number 14, that is electric current and its effect. In my previous video, we discussed about an electric bulb. First of all, in the bulb, there is a thin wire called the filament which glows when an electric current passes through it. When the bulb gets fused, its filament is broken. इलेक्ट्रिक बल्ब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो एक फिलामेंट लगी होती है. फिलामेंट विच इज मेड ऑफ टंगस्टन एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस इन वेरी हाई वोल्टेज देन फिलामेंट इज ब्रेक डाउन एंड बल्ब इज फ्यूज्ड. ओके, नाउ कॉजल, व्हाट इज कॉजल? कॉजल given in your textbook in box, that is, never touch a lighted electric bulb connected to the mains. जो electric bulb है यदि वो mains से connected है, switch अगर वो वहां पे mains से connected है तो हमें never touch a lighted electric bulb, हमें जलते हुए electric bulb को कभी भी touch नहीं करना चाहिए because it is very dangerous. Now it may be very hot and your hand may get burned badly. इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा हॉट होता है और आप उसको टच करेंगे तो टच करने के बाद आपके हैंड जो है वो गेट बर्न, वो जल जाएंगे, वो भी बहुत बैडली. ओके, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक विच मे बी डेंजरस. यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर. आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में वही एक्टिविटी करनी है जो इस एनसीईआरटी की बुक में सजेस्टेड है. इसके अलावा आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Textbook, there is a given activity 14.2 and page number 163. First point, कनेक्ट कर सकते. नाउ सेकेंड पॉइंट इज
circuit. डायग्राम कैसे फॉर्म होता है, इस पॉइंट का जो ये है यहाँ पे आप इसको बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए। बल्ब से कनेक्ट करने के बाद यहाँ स्विच से कनेक्ट कीजिए, स्विच एंड स्विच इज इन ऑन पोजीशन एंड हियर दिस सर्किट इज कनेक्टेड बाय बैटरी। ओके एंड देन Switch is on, then bulb started to glow. Now, third point is this activity has to be done using only one cell. फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ सेल को हेड ऑन हम लोग कनेक्ट करते हैं और कुछ सेल को हम लोग साइड वाइज कनेक्टेड करते हैं। एंड सेल इज कनेक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अल्टरनेट कंडीशन में हम लोग उसको कनेक्ट करते हुए एक सर्किट का फॉर्म करते हैं। बट इन दिस एक्टिविटी थर्ड पॉइंट इज दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। हम लोगों ने यहाँ पे सेल कॉम्बिनेशन करके बैटरी का फॉर्म नहीं किया है बल्कि सिर्फ एक सिंगल सेल के थ्रू हमने सर्किट डायग्राम को प्रिपेयर किया है। ओके नाउ पॉइंट नंबर फोर keep the switch in the off position, in the off position. First take an electric cell, a bulb, a switch and a connecting wire. सबसे पहले हम लोगों को एक बल्ब, सेल, स्विच और कनेक्टिंग वायर लेने हैं। सेकेंड मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड शोन इन फिगर। बेसिकली हम लोगों को एक सर्किट डायग्राम बनाना है जो कनेक्ट करना है। हमने स्विच अकॉर्डिंग टू पॉइंट फर्स्ट दैट इज द इलेक्ट्रिक सेल एंड हियर अ बल्ब एंड हियर द स्विच एंड दिस इज डिनोटेड एज अ वायर। ओके दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल लगाया है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। कीप द स्विच इज ऑफ पोजिशन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। स्विच जो है ये ऑफ पोजिशन है एंड द सिंबल इज दिस। सिंबल इज दिस ऑफ पोजिशन। देन क्वेश्चन इज अराइजेस डज द बल्ब ग्लो। जब सर्किट डायग्राम में स्विच ऑफ पोजीशन में है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? डज द बल्ब ग्लो? आंसर इज नो बिकॉज करंट इज नॉट फ्लोइंग। इन माय प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस इफ द स्विच इज इन ऑन पोजीशन देन करंट इज फ्लो एंड इफ द स्विच इज ऑफ पोजीशन करंट इज नॉट फ्लोइंग। ओके नाउ पॉइंट नंबर फाइव
double. Question note. Does the bulb glow? Does the bulb? Does the bulb glow? Then push point number 5. Touch the bulb. Touch the bulb. Touch the bulb. Now move the electric switch. Move the electric switch to the on position. Again, question is arises, that is, does the bulb, do you feel any differences? Again, touch the bulb. Again, touch the bulb. Do you feel any differences? Do you feel any differences? Do you feel any differences? After moving the switch, off position. Touch the bulb again. Touch the bulb again. In your NCERT textbook, activity 14.2, this is the activity number 14.2 and piece number 163. Ek baar fir se dekh lijiye. Take an electric cell, a bulb, a switch and a connecting wire. सबसे पहले हम लोगों को एक बल्ब, एक स्विच और कनेक्टिंग वायर्स लेना है ताकि इन सबको हम लोग आपस में कनेक्ट करके एक सर्किट डायग्राम को फॉर्म कर सके. देखिए, हम लोग एक सर्किट डायग्राम को फॉर्म कर सके. देखिए, ये हमारा ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है. यहाँ पे बल्ब मेंशन कर देते हैं, हमने बल्ब लगाया. ये बल्ब है, दैट इज द सिंबल ऑफ बल्ब. एंड दिस इज द ऑल दिस लाइन इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. एंड हियर वी कनेक्टेड द स्विच एंड हियर वी कनेक्टेड अ सिंगल सेल. नाउ Make an electric circuit as shown in figure. सबसे पहले हम लोगों को एक सर्किट बनाना है, जैसा कि मैंने फिगर में बनाया है. सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम
डायग्राम हम लोग फॉर्म कर लेंगे. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल. हमने यहाँ पे डिफरेंट कई सारे सेल नहीं लगाए, बैटरी का कॉम्बिनेशन नहीं किया है, सिर्फ सिंगल सेल के थ्रू हमने क्या किया है, सर्किट डायग्राम को फॉर्म किया. ये देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ सिंगल सेल, बिकॉज इन दिस सेल दिस डिनोटेड इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द शॉर्ट लाइन इज डिनोटेड एज अ नेगेटिव टर्मिनल. एंड ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन. हमें इस स्विच को सबसे पहले ऑफ पोजिशन पे करना है. सबसे पहले स्विच ऑफ पोजिशन, डस द बल्ब ग्लो, जैसे हम लोगों को स्विच को ऑफ पोजिशन करना है. दिस इज द सिंबल ऑफ ऑफ पोजिशन. ऑफ करेंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा? ऑब्वियस है, जब हम लोग अपने घरों में देखते हैं, जब हमारे बल्ब ऑफ, स्विच ऑफ रहता है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता. ओके, टच द बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन. सॉरी, हम लोग बल्ब को टच करेंगे, हम लोग जब बल्ब को टच करेंगे तो जब बल्ब ऑन नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये हॉट नहीं होगा. बट जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन कर देंगे, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच ऑन पोजिशन, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब क्या होगा, ग्लो करना शुरू हो जाएगा. एंड देन हम इस बल्ब को टच करेंगे, देन क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन स्विच इज ऑन पोजिशन एंड व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजिशन. क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन स्विच इज इन ऑन पोजिशन एंड स्विच इज इन ऑफ पोजिशन. द आंसर इज, व्हेन स्विच इज ऑफ पोजिशन देन बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, बट when switch is on position the bulb is glowing. Okay, and now the definition of heating effect of electric current. The conductor becomes hot after some time, and produce heat. Passing through the
जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होता है, कंडक्टर यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करने में इफेक्टिव होते हैं, जस्ट लाइक आयरन, ये सारी चीजें कॉपर, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम्स। हम कैसे करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में पास होगा, जो कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें पास होंगे, जिससे कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। एंड प्रोड्यूस होने के बाद वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। नाउ दिस हैपेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू द कंडक्टर इनटू हीट एनर्जी। दिस हैपेंस ड्यू टू द कन्वर्जन। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सम इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू द कंडक्टर इनटू हीट एनर्जी। हम किसी भी, मान लीजिए कि हमारा एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर में जैसे ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पे कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद जो आउटकम्स है, इसमें आउटकम्स में हमें क्या मिला, हीट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। In my next class, we discuss some other topics related to this chapter. Thank you and have a nice day.